ओपी चैनॉफ ग्रुप के द्वारा बनाई जा रही आवासीय योजना एंथला स्ट्रीट के फ्लैट स्वामियों से की गई वादा खिलाफी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एंथला स्ट्रीट फ्लैट स्वामियों ने फ्लैटों की मार्केटिंग करने वाली स्टार मार्केटिंग मैनेजर अनमोल जैन के ऑफिस पहुंचकर हंगामा काटा, जिसके बाद मार्केटिंग कंपनी मैनेजर नए फ्लैट स्वामियों से वादा किया कि 25 दिसंबर रविवार को वो सभी फ्लैट स्वामियों से मुलाकात कर उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकालेगा। लेकिन जब फ्लैट स्वामियों ने रविवार तय समय पर मार्केटिंग मैनेजर को फोन किया तो मार्केटिंग मैनेजर अनमोल जैन ने किसी का भी फोन नहीं उठाया और फोन बंद कर दिया, जिसके बाद सभी फ्लैट स्वामी एंथला स्ट्रीट पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। देखने वाली बात यह है कि एंथला स्ट्रीट फ्लैट स्वामियों के द्वारा योगी जी के सीएम पोर्टल रेरा एवं आगरा जिलाधिकारी आवास विकास एडीए सभी जगह शिकायत की। हाँ जी, कल हम लोग ने एक मीटिंग रखी हुई थी अनमोल जैन के साथ में, जो कि स्टार मार्केटिंग के शायद मैनेजर हैं। उनसे मिले थे हम लोग, उन्होंने हमसे वादा किया था यहाँ एकत्रित होने के लिए और आने के लिए, हमसे मिलने के लिए। लेकिन हमें इंतज़ार करते करते 2 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक कोई पहुँचा नहीं है, हमारा फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। किसी भी तरह से वो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नाम सत्यप्रकाश है और ए ब्लॉक में मेरा फ्लैट बुक है। तो बहुत सारी जो फैसिलिटीज उन्होंने कमिट किया था वो तो दे ही नहीं रहे। स्टार मार्केटिंग और ओपी जेंस वाले के पास में कई बार हम लोग गए हैं और वो दोनों मिलके इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुनने में ऐसा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर किसी को फ्लैट पसंद नहीं है तो अपने पैसे वापस ले ले और कहीं और जाके बुक करा ले। तो हमने 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 4-5 साल से, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से इतना पैसा लगाया हुआ है और अब उस तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अपने पैसे वापस ले लो, पसंद नहीं है तो कहीं और जाके रह लो। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भैया भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है, कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भाई आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाएं। अयोध्या में पत्रकारों के सवाल पर पवन पांडे का अजीबोगरीब जवाब, व्यापारियों के पक्ष में आंदोलन करने के लिए किस सड़क पर उतरे? सड़क पर तो मलबा है, सड़क पर तो बुलडोजर है, हम सड़क पर उतरने के लिए डर नहीं रहे हैं, किस कमरे में छुपे हैं हम? हम तो व्यापारियों के पक्ष की बात ही कर रहे हैं, आंदोलन करने लायक सड़क बची ही नहीं है, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया पर ही निकाली भड़ास, जितना आप लोग भाजपा को दिखाते हो उतना अयोध्या के व्यापारियों को दर्द दिखा दो, उतना अयोध्या के व्यापारियों का दर्द दिखा दो। बगैर सड़क पर उतरे ही व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, व्यापारियों को सही मुआवजा मिल जाएगा। माइक्रोस्कोप से देखिए, भाजपा के नेता कहीं नहीं दिख रहे हैं, जिन्होंने नून रोटी खाकर सरकार बनवाई वह नहीं दिख रहे हैं, किसी व्यापारी से मिलने नहीं गया भाजपा नेता। आज अयोध्या में व्यापारी समाज का लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियुक्त अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। आज जब अयोध्या का व्यापारी इतनी बुरी स्थिति में है कि उसका मकान और दुकान जा रहा है, उसके कारोबार पर, उसके जीवन के सपनों पर बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और केवल 75,00,000 1.5 लाख रुपया मुआवजा मिल रहा है, जिससे वो दोबारा अपने व्यापार को स्थापित नहीं कर सकता। ऐसे बुरे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त हैं वो व्यापारियों के साथ लूट कर रहे हैं। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे, अपने नाम में क्या रखा है अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10, टेढ़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना द्वारा एसएसबी के अधिकारियों के साथ थाना कोतवाली जरवा परिसर में नेपाल राष्ट्र से सटे थाना क्षेत्र के गांव के ग्राम प्रधानों, चौकीदारों, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई। उक्त गोष्ठी में ग्राम प्रधानों, चौकीदारों, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों व संभ्रांत व्यक्तियों से
सीमा पर अवैध अतिक्रमण, तस्करी, वन कटान की रोकथाम व सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस का सहयोग करने व किसी भी छोटी से छोटी घटना की सूचना से तत्काल थाना स्थानीय को अवगत कराने की अपील की गई। महोदय द्वारा उनकी समस्याओं को भी सुना गया व निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी से ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत नेपाल राष्ट्र की सीमा से सटे गाँव में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत CCTV कैमरे लगवाने की भी अपील की गई। शासन के निर्देशानुसार नेपाल राष्ट्र की सीमा पर उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों की सीमा पर पेट्रोलिंग व सीमा की प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कवच योजना के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, न केवल आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए इसका भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे आप जैसा कि अवगत हैं, हमारे साथियों ने बताया भी कि भारत नेपाल की कोई सीमा में कोई फेंसिंग नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, इधर भारत है उधर नेपाल है और भारत नेपाल दोनों के मैत्री संबंध हैं। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भैया भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भाई आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाए। सहारनपुर में जैन समाज के तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी, जिसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर सोमवार को सहारनपुर में जैन समाज आक्रोशित दिखाते हुए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे गए। साथ ही एक विशाल जुलूस के रूप में जैन समाज के सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। सभी के हाथों में तख्तियां थी जिसमें वह अपनी अपनी आपत्ति जता रहे थे। जैन समाज के अध्यक्ष राकेश जैन तथा जैन समाज के संरक्षक राकेश जैन नेतृत्व में अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित न किए जाने की मांग की गई। जिलाधिकारी ने जैन समाज से ज्ञापन लिया। आज ये श्री दिगम्बर जैन समाज है और पंचांग समिति है, रजिस्टर्ड है। इसके तत्वावधान में आज जैन समाज यहाँ पर करीब काफ़ी भीड़ भाड़ थी, करीब 5000 के ऊपर यहाँ लोग थे। श्री राजेश जैन जी हैं जो इसके अध्यक्ष हैं और श्री राकेश जैन जी हैं जो यहाँ महानगर अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं। उनकी अध्यक्षता में यहाँ उनके नेतृत्व में यहाँ विशाल जन समूह था जैन समाज का। उन लोगों की एक विशेष मांग है कि झारखंड स्थित जो इनका पवित्र धार्मिक स्थल है श्री सम्मेद शिखर जी, उसको झारखंड जो है सरकार ने एक पर्यटन स्थल घोषित किया है। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। MP के हरदा जिले में भारत माला योजना से पथ इंडिया कंपनी द्वारा 4-लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां टिमरनी आदिवासी विधानसभा क्षेत्र ग्राम अधीरी खेड़ा में ग्रामीणों की कृषि भूमि को समतलीकरण करने के नाम पर आपसी समझौता कर खनिज विभाग से अनुमति ले ली गई है और मिट्टी का परिवहन डंपर के माध्यम से किया जा रहा है, जहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि हमें कंपनी के एजेंट द्वारा 10 से 20 हज़ार रुपये देकर हमारी जमीनों से बड़े पैमाने पर डंपर से मिट्टी का हजारों डंपर ओवरलोड परिवहन किया गया, जिसके चलते बड़ी बड़ी खाइयां बन चुकी हैं, जिसके चलते भादू गांव से मुख्य मार्ग सड़क की हालत इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं
और ग्रामीणों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। इसके चलते ग्राम के लोगों द्वारा नहर के समीप टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ग्रामीणों की मांग है कि पथ इंडिया कंपनी द्वारा हमारी क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण किया जाए। जहां आज संयुक्त कलेक्टर SDM तहसीलदार मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और 4 दिन के अंदर कंपनी ने अधिकारियों के सामने मौखिक रूप से कहा कि ग्रामीणों का कहना है कि हम जब तक धरने पर बैठे रहेंगे तब तक की सड़क नहीं बन जाती। आज 4 दिन हो गए, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, आज चौथा रोज है धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ ग्राम भादू गांव में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4.50 किलोमीटर रोड है वो पूरी तरह से पाथ इंडिया कंपनी के द्वारा 50-50 टन के ओवरलोड डंपर चलाने के कारण ध्वस्त हो चुका है। अभी तक कोई प्रशासन आया है आपके पास? अभी तक प्रशासन में पहले SDM बड़ोली जी और चौहान साहब आए थे, आज वर्तमान में DK सिंह साहब अपर कलेक्टर, बड़ोले साहब, चौहान साहब, पटवारी जी और पुलिस फोर्स आई थी। क्या क्या क्षति हुई अपने यहाँ? अपने यहाँ क्षति ये हुई है कि सबसे पहले तो अपना जो रोड है पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको बनाया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 4 रोज के अंदर आपको पूरा डामर पेच करके और क्या बोलते हैं, कौन सी लेयर बोलते हैं उसको, वो पूरी कंप्लीट करके। डंपर किस कारण चल रहे हैं? डंपर में ये बोला उनने कि आप डंपर अभी चलने दो 4 दिन। क्या किस काम के लिए चल रहे हैं डंपर? डंपर चल रहा है खनन के लिए चल रहा है। क्या खनन कर रहे हैं? मट्टी खनन करके ले जा रहे हैं। कौन की जमीन है? जो आदिवासियों की जमीन है। तो ये इनकी परमिशन से कर रहे हैं कि अवैध रूप से इसका चल रहा है? उसमें परिवहन की परमिशन है इनके पास, लेकिन खुदाई की कोई परमिशन नहीं है। जो मूलतः वहाँ ये था कि जो भादू गांव की प्रधानमंत्री सड़क थी जिस पर से मिट्टी उठाने या मुरुम उठाने के लिए पाथ इंडिया कंपनी को खनिज विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी, उन डंपरों के कारण वहाँ की सड़क डैमेज हो गई थी। तो ग्रामीणों का यही वो था विरोध कि हमारी सड़क जो डैमेज हो गई है उस सड़क को निर्मित किया जाए, उसके बाद ही अन्य कोई कार्य किया जाए। इसी बात का विरोध लेकर वो 2-3-4 दिन से धरने पर बैठे थे। आज अंततः पाथ इंडिया कंपनी ने यह सहमति दी कि वो सड़क का निर्माण करेंगे, उसके बाद ही वहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो धरना खत्म किया है क्या साहब उन्होंने? धरना खत्म कर नहीं किया साहब, मैं अभी पहुंचा था मौके पे। नहीं तो टेंट लगा कर अभी भी रखा उन्होंने कि जब सड़क गाड़ियों का आना जाना प्रारंभ कर दिया है। टेंट उन्होंने इस हिसाब से लगा के रखा है कि क्या जो कमिट की गई है वो अगले 3 दिन या 4 दिन की जो कमिट हुई है कि 2-3 दिन पर पेंच वर्क होगा और नेक्स्ट डे यानी 4थे दिन से वहाँ डामरीकरण शुरू हो जाएगा। तो तब तक के लिए वेट एंड वॉच की दृष्टि से संभवतः उन्होंने टेंट लगा रखा है। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। दुनिया में फैली COVID-19 की दहशत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सेक्शन में है, जिसे लेकर आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। जिसे लेकर सहारनपुर में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मॉक ड्रिल की गई और अपनी व्यवस्थाओं को जांचा परखा गया। सहारनपुर CMS रतनपाल सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में सभी तैयारियां पूर्ण हैं, ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में उनका समय 1 मिनट का रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि मास्क का प्रयोग करें, भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो डॉक्टर से सलाह लें। देखिए, हमारे यहाँ जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में 50 बेड का पीकू वार्ड है कोरोना से निपटने के लिए। अभी हमने एक डमी पेशेंट पर रिहर्सल किया है कि हमारी तैयारियाँ कैसी हैं उसको परखने के लिए। जैसे ही मरीज एम्बुलेंस से नीचे आता है तो हम पहले मरीज को रिसीव करते हैं PPE किट पहन करके और उसको ऑक्सीजन तुरंत लगा दी जाती है। उसके बाद तुरंत ही मरीज को हम पीकू वार्ड में लेकर आते हैं
और वहाँ पे डॉक्टर पहले से ही मौजूद होता है, स्टाफ भी पूरा मौजूद होता है और डॉक्टर उसके पूरे वाइटल्स देखता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितना है, उसका SpO2 कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है ब्लड में। जब उसका हम SpO2 देख लेते हैं कि यदि उसका SpO2 लेवल 90 से नीचे है, थोड़ा सा हम सतर्क हो जाते हैं और उसको हम एकदम ICU वार्ड में लेते हैं। हमारे यहाँ जो ICU वार्ड है वो उसमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं, 10 बेड का ICU वार्ड है और जनरल वार्ड जो है हमारा 40 बेड का है, उसमें हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 50 हैं, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और हमारे पास सभी दवाएं उपलब्ध हैं, तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सावधानी हमें ज़रूरत बरतनी है कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर निकले अपने घर से तो मास्क लगा करके रहे और अपना प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो रिस्पांस टाइम रहा है वो कितना रहा है सर? हमारा रिस्पांस टाइम तो बहुत ही कम, हम कोशिश करते हैं कि हम शायद 1 मिनट में ऊपर आ गए हैं और हमने तुरंत डॉक्टर ने हमारा देखा है और उसको ICU वार्ड में हमारे मरीज को। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भैया भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भाई आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाए। शिवपुरी में राज्य शिक्षा केंद्र निर्देश पर डाइट शिवपुरी द्वारा जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ शिवपुरी के ताटिया तोपे खेल प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। वे ग्वालियर भिंड दतिया गुना शिवपुरी की टीमें भाग ले रही हैं। पहले दिन के खेल में गुना ग्वालियर और शिवपुरी की टीमों ने खो खो व वॉलीबॉल में प्रदर्शन किया, जिसमें खो खो में गुना ने ग्वालियर को हराया और गुना शिवपुरी के बीच खेले गए खो खो मैच में शिवपुरी ने गुना की टीम को हराया। वहीं वॉलीबॉल में शिवपुरी ने गुना को हराया। कल कैरम और शतरंज प्रतियोगिता खेली जाएगी। ये RSK के निर्देश अनुसार जून स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है जिसमें शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, दतिया और सब मतलब समस्त डाइट जितनी है उनकी प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें खो खो, कैरम और वॉलीबॉल और शतरंज। जी, कितने दिन चलेंगी प्रतियोगिता? ये आज शुरू हुई है और 25 और 26 दो दिन चलेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।